एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पंजीरी बनाने जा रही हूँ। ये एक सर्दी का तोहफा है और आपको सर्दी के अंदर हर घर में पंजीरी मिलेगी। तकरीबन सारे लोग जो हैं बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इसको बनाने का एक तरीका होता है। अगर उस तरीके से बनाई जाए तो पंजीरी बहुत ही अच्छी बनती है और सबको बहुत ही पसंद आती है। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम आटा। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितना आटा होगा उतना ही घी होगा और उतनी ही शक्कर होगी। मैंने इसके अंदर 250 ग्राम आटा लिया है, 250 ग्राम देसी घी लिया है, मैंने घर का बना हुआ लिया है, आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। 250 ग्राम मैंने गुड़ को ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी पिसी हुई डाल सकते हैं, जिसको हम बूरा चीनी भी बोलते हैं। ये अपने टेस्ट के अनुसार है, किसी को गुड़ की अच्छी लगती है, किसी को चीनी की अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ गुड़ की पंजीरी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के अंदर गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। 2 चम्मच मैंने जिंजर पाउडर लिया है, इसको हम सौंठ भी कहते हैं। 5-6 इलायची मैंने पीस ली है, छोटी इलायची। 1 छोटा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, ये टेस्ट के मुताबिक है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप लें, अगर नहीं पसंद करते तो आप ना यूज़ करें। ड्राई फ्रूट के अंदर मैंने, आप देख रहे हैं, काजू लिया है, आधी से कम कटोरी है काजू। किशमिश ली है, बादाम लिया है और नारियल को ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपने ड्राई फ्रूट यूज़ करना है उसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, वो आपने अपनी टेस्ट के अनुसार ही यूज़ करना है। कुछ लोग ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। आप जितना पसंद करते हैं और जो ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वही इसमें डाल सकते हैं। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि पंजीरी को बनाना किस तरह से है। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे घी। घी को अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने दें। घी जो है मेल्ट हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर पाउडर, सौंठ। इसको ज़्यादा देर हमने भूनना नहीं है, नहीं तो इसमें कड़वाहट हो जाती है। हल्का सा इसको डाल के, साथ ही हमने अजवाइन और साथ ही हमने इलायची पाउडर डाल देना है और इसके साथ ही हमने आटा डाल देना है, क्योंकि गर्म घी के अंदर बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है चीज़ें, उसको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना। फ्लेम हमने लो कर दी है, मेजरमेंट यही है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी थोड़ा कम डाल सकते हैं, आटा थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर हम बराबर डालें तो बहुत ही अच्छी पंजीरी बनती है। इसको लो फ्लेम के ऊपर हमने भूनना है। इसे हमने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, और कोशिश करनी है इसको लो फ्लेम पे बनाना है। अगर आप पास खड़े होकर रेगुलर हिला रहे हो तो बीच बीच में आप मीडियम फ्लेम कर सकते हो। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आटा है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो आटा कच्चा रह जाएगा तो पंजीरी खाते हुए दांतों के साथ चिपकेगी और उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। जब आटा भुना जाएगा तो जो आटा है वो घी छोड़ना शुरू हो जाएगा, घी किनारों पे आना शुरू हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि आटा भुना जा चुका है। आप देख रहे हैं जो घी है वो अलग होना शुरू हो गया है। इसको बनाते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं और घी जो है वो आटे से अलग होना शुरू हो गया है, तो मतलब आटा जो है हमारा भुना जा चुका है। इसको हमने इस तरह से हिलाते रहना है, थोड़ा सा हम आटे को और वो कर लेते हैं क्योंकि आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसको हम 5 मिनट के लिए और भून लेते हैं।
आटा जो है वो हमारा अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब हमने इसके अंदर डालना है ड्राई फ्रूट, नारियल, फ्लेम हम बंद कर देते हैं, बादाम, किशमिश, काजू। हमने ड्राई फ्रूट जो है पहले नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा देर भुनने से ड्राई फ्रूट में कड़वाहट आ जाती है। आटा अपने आप में इतना गर्म है कि ड्राई फ्रूट जो है बीच में थोड़ा थोड़ा अपने आप ही भुना जाएगा और टेस्ट जो है वो एकदम फ्रेश लगेगा। इसको एक मिनट हमने इस तरह से हिला लिया ड्राई फ्रूट को ताकि ड्राई फ्रूट जो है आटे के अंदर पूरी तरह से फ्राई हो जाए। ये ध्यान रहे कि ड्राई फ्रूट जो है पहले नहीं डालना। आप देख रहे हैं कि फ्लेम बंद होने के बाद भी घी कैसे बबल्स छोड़ रहा है और जो ड्राई फ्रूट है वो फूल रहा है बीच में। किशमिश हमारी किस तरह फूल चुकी है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है गुड़। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप गुड़ भी डाल सकते हैं और चीनी भी पिसी हुई डाल सकते हैं। कुछ लोग चीनी पसंद नहीं करते वो गुड़ डाल सकते हैं और कुछ लोग चीनी की पसंद करते हैं तो वो चीनी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुड़ वाली नहीं खाई तो आप प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि गुड़ का कोई नुकसान नहीं है। गुड़ को अच्छे से हमने ये पूरा गुड़ डाल दिया है क्योंकि हमने मेजरमेंट के हिसाब से 250 ग्राम ही गुड़ लिया था। इसको अच्छे से हिला देना है, गुड़ जो है बीच में मेल्ट हो जाएगा। अगर आपने चीनी डालनी है तो भी आपने फ्लेम ऑफ करने के बाद ही चीनी डालनी है। ये पंजीरी जो है ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहें तो इसके लड्डू बना के भी रख सकते हैं, जिसे हम पिनिया भी कहते हैं। और अगर इसी तरह से खाना चाहें तो आप इसी तरह से भी इसको ठंडी करने के बाद एक कंटेनर में भर के जितनी देर मर्जी रख सकते हैं। अब हमने इसे इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया है क्योंकि बर्तन खुला है, इसमें ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। या आप इसे किसी स्टील की थाली के अंदर निकाल कर रख सकते हैं। पंजीरी हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे हम एक प्लेट में डालकर किसी के भी आगे सर्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पंजीरी का कलर कितना अच्छा बना है, आटा अच्छे से भुना गया, यही ध्यान में रखने वाली बात है। ये हमारी पंजीरी बनकर तैयार है। वैसे तो हमने इसमें बहुत ड्राई फ्रूट डाला हुआ है लेकिन हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करते हैं। अगर हमने इसको किसी के आगे सर्व करना है तो हम इस तरह से इसको सजा के सर्व कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। आप इसे दूध के साथ रोज रात को लें या किसी भी समय तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही फायदेमंद भी है, बहुत फ़ायदा देती है सर्दी के मौसम में। और अगर आपने किसी के आगे सर्व करनी है तो भी आप कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ या दूध के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, खास गुड़ डालकर आप इसे एक बार ट्राई करके देखें और मेरे को ये ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू। Thank you.